आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। सर, आज यहाँ पर आना हुआ था, क्या विशेषता? ये हमारा क्षेत्र है, हमारे गांव शहर के लोग हैं, मैं मिलने जुलने हमेशा आने का प्रयत्न करता हूँ। समय की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए लोगों से मिलना जुलना होता है। देखिए, सरकारें किसी की भी हो, जनता की भावनाओं से जब तक आप अनुभव नहीं लेंगे, जनता की बातों को आप जब तक नहीं सुनेंगे, तब तक नीतियां भी अच्छी नहीं बनेंगी। नीतियों को बनाने के लिए जनता, क्योंकि वो सतही तौर पर जमीन पर चीज़ों को देख रहा है, उसका अनुभव प्राप्त करके किसी भी जगह सुझाव देना या किसी भी चीज़ के बारे में बोलना, उसका महत्व बढ़ता है। इसलिए ये इनपुट्स गांव वाले से मिल करके, गांव की सूचनाएं कहाँ क्या हो रहा है, जैसे यहाँ कुछ जैसे प्रमुख जो मूलभूत सुविधाओं से, जैसे चिकित्सा की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, इन सारे विषयों पर, या किसानों की जो असुविधा है, उन विषयों पर लोगों ने अपना इनपुट दिया। इसका वृहद कार्य योजना के दृष्टि से दिशा की बैठक जो जिला लेवल पर होती है, उसकी बैठक में चर्चा होगी, जिसमें सभी सदस्य अपेक्षित रहते हैं, जिला परिषद से लेकर के प्रखंड प्रमुख तक सारे लोग उसमें उपलब्ध रहते हैं, तो वहाँ पर फिर चर्चा होगी। एक स्तर ये हुआ, दूसरा ये हो गया कि ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो राज्य स्तर पर निर्णय होती है और नीतिगत मामले होते हैं, तो उस सारे मामले भी नीतिगत रूप से कैसे लिया जा सकता है, इसके बारे में इसी स्तर पर चर्चा करके बातें निकलती है और फिर राज्य स्तर पर चर्चा होती है। राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य में लोक के सुझाव का महत्व होना चाहिए और उसी के आधार पर योजनाओं से लेकर के नीतियां बननी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इंटर तक उसको अगर ग्रेजुएट लेवल तक पहुंचा दिया जाता है, स्टूडेंट होंगे कभी 300-400 से भी ज्यादा होंगे, एक ही महिला कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट का कोई अफिलेशन नहीं है, ऐसे ही सब सेवा दे रहे हैं, अगर उसको आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। रमेश सिंह मुंडा महिला महाविद्यालय, पहले लालू प्रसाद महिला महाविद्यालय उसका नाम था, बाद में उसको बदल करके भैया जब आप मंत्री बने तो अपना खर्चा से बिल्डिंग वल्डिंग बनाए थे और उसको फिर नया एक समिति बना, और नया समिति बनाने के बाद उसको रमेश सिंह मुंडा महिला महाविद्यालय का नाम से अभी इसको रखा गया। तो महाविद्यालय नहीं है, प्लस टू विद्यालय है, उसको महाविद्यालय में अगर परिवर्तित कन्वर्ट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये हम लोग चाहते हैं। ये एक सबसे छोटी चीज़ है, इसमें महिला शिक्षा का विकास होगा, दूर दराज देहात के बच्चियाँ पढ़ सकेंगी और आगे बढ़ सकेंगी। बात नहीं है, 300 बेड का हॉस्टल भी है, उसमें बेड का एकड़ होगा, बिल्डिंग रास्ता तो साल में कम से कम एक बार प्रत्येक मिल जाता है, एक पैसा नहीं मिलता है, वही जो एडमिशन का इसमें पैसा कलेक्शन जमीन को लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं और कुछ सेवा दे रहे हैं अपने लोग हैं, वहाँ रिपोर्ट भी हुआ है, उनका बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ से, राखी आना जाना चलना।